अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हिंदी के टच से आप बिल्कुल दूर हैं, तो जीडी में हिंदी चुनने की मूर्खता मत करना। वहां पे चॉइस आती है वेदर यू कैन गो फॉर हिंदी और कैन गो फॉर इंग्लिश। अगर आपने अभी पिछले कुछ महीनों या सालों से हिंदी के व्याकरण को नहीं पढ़ा है, तो भूल जाइए कि आप 3 महीने में उसे तैयार कर सकते हैं। इट इज टफर देन इंग्लिश। इंग्लिश से मुश्किल है हिंदी का व्याकरण। बच्चे कुछ भ्रमों में उसको टिक कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। और जीडी के फॉर्म्स अभी भरे जाएंगे, इसलिए टाइमली बता रही हूँ कि अपने ऑप्शन को सोच समझ के चुनना। किसी का बहुत ज़्यादा मन करे ना हिंदी चुनने का, तो 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना पहले, आंखें और दिमाग खुल जाएगा, फिर हिंदी चुन लेना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इस बात से दिक्कत नहीं है आप हिंदी चुन रहे हो या इंग्लिश, मेरे को दिक्कत इस बात से है कि बाद में तैयारी नहीं होती। पहले भ्रम में चुन लेते हैं। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे, हिंदी इंग्लिश की चॉइस आ रही थी, मैंने हिंदी चुन ली, पर अब हिंदी भी हो नहीं रही है, ज़्यादा मुश्किल लग रही है। तो अगर आप बहुत सालों से व्याकरण से दूर हैं हिंदी के, तो बिल्कुल मूर्खता मत करिएगा। 2-3 प्रीवियस ईयर देख लो, आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा कैसा लेवल आता है, क्या आता है, उसके बाद मन करे चुनो। क्योंकि हमारा उद्देश्य नौकरी लेना है, ना इंग्लिश हिंदी की लड़ाई लड़ना, ना कुछ और। नौकरी मिलनी चाहिए, तो हर उस चीज से दूर रहो जो कंफ्यूज करे, हर उस चीज से दूर रहो जो नंबर कटवाए।